अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस टाइम हम मौजूद हैं फैसल मोड़ से एसटीसी ट्रांजिट के ड्राइवर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अजमल खान। मोहम्मद अजमल खान, तो मोहम्मद अजमल साहब आप बताएंगे कितने अरसे से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन 17-18 साल से कर रहा हूँ। 17-18 साल, मतलब ये कि FMSTC में तकरीबन साल बराबर होने वाला है। उससे पहले आप कहाँ काम करते थे? मैं तो पिशावर और कराची चलाता था, मदीना एक्सप्रेस और स्वात एक्सप्रेस में था। अच्छा, हाँ जी। उसके साथ आप करते रहे? हाँ। तो कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है फैसल मोड़ के साथ? माशाल्लाह सही है, बराबर है। हाँ जी। अच्छा, तो कुछ आइडिया देंगे एक जो ड्राइवर है, जो अच्छा, जो आपका जितना एक्सपीरियंस है वो कितने तक कमा ले सकता है, कमा लेता है तकरीबन, खर्चे वर्चे निकाल कर? मतलब तो पर राइड होता है, लेकिन ये महीने का बचा हो जाके सारा कुछ कितना हो जाता है? हो जाते तकरीबन ये 70-80 हजार। 70-80 हजार? हाँ, 60 हजार, मतलब ये के अच्छी है। वैसे भी ऊपर चले जाते हैं तो वो ज्यादा राइट देते हैं, क्या होता है? शायद ज्यादा राइट देते होंगे। अच्छा, मतलब ये हाँ, ये मतलब ये कि इसमें तो यही है, इससे ऊपर भी जाता है। अच्छा, हाँ सही सही सही। अच्छा ये बताएं कि एक ड्राइवर को किन मामलों में एहतियात करनी चाहिए कि वो एक्सीडेंट से ज्यादा बचे, क्योंकि हादसा बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, साथ तो अभी तो और अभी तो धुंध भी बहुत ज्यादा है, और आजकल बहुत एहतियात करना चाहिए, और ज्यादा दिन हो तो मतलब एक साइड पे रोकना चाहिए। अच्छा। जीटी रोड पे मतलब ये कि ज्यादा धुंध होता है, सही सही। मतलब ज्यादा एहतियात करना चाहिए धुंध में। अच्छा, हाँ जी सही सही सही। अच्छा, रिहाइश वगैरह आपको देता है या कंपनी वाला? हाँ जी, हाँ रिहाइश देता है। कहाँ से कहाँ है आपका रूट? आपका रूट कौन सा? हमारा तो रूट है रमियार खान टू कराची, कराची टू रमियार खान। और ये बस भी कराची टू रमियार नहीं, ये तो जाता है डायरेक्ट इस्लामाबाद, मतलब अमूदरी तक जाता है। रिहायश है, हर चीज है। अच्छा, हर चीज अवेलेबल वहाँ पर भी, हर जगह पे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह पे। फैमिली की भी होती है खाली? अपना नहीं, अपना ड्राइवर का। ड्राइवर का? जी हाँ। तो वो बचा तो जाते हुए वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खाने वाने का अपना खुद करना पड़ता होगा? हाँ, खाने के, खाना भी मतलब सही है। अच्छा, हाँ सही सही। तो ये चीजें काफी अच्छी है। तो अगर कोई न्यू ड्राइवर आता तो उसको क्या मशवरा देंगे? उस फील्ड में आए, इस फील्ड में कमाई है या नहीं है, जो नया आता है 30-35 साल का भी कोशिश कर रहा है? आइए, जरूर अप्लाई करें, क्यों नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब CV लेके आओ, अपना लेसन, शनादी कार्ड, सब ये हर चीज अवेलेबल होना चाहिए। सही सही। हाँ, तो फैसल मोड़ का क्या होता है, कितना साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं आप? तो काफी एक्सपीरियंस है, 10 साल काम किया। अगर हाँ, लड़का जिसका 3-4 साल का, उसको रख लेते हैं अगर अच्छी ड्राइविंग आती हो? हाँ, मतलब अच्छी ड्राइविंग है, मतलब ये कि सही है तो क्यों नहीं रख लेते। अच्छा, हाँ। टेस्ट वगैरह लेते हो? टेस्ट लेते, टेस्ट तो जरूर लेते हैं। अच्छा, बगैर टेस्ट के तो नहीं रखते हैं। हाँ जी। ट्रेनिंग भी देते हैं लोग? ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब हर चीज का, मतलब गाड़ी का पूरा डिटेल बताता है गाड़ी का। अच्छा। हाँ जी। और स्टाफ कैसा है कंपनी का? स्टाफ भी माशाल्लाह जबरदस्त है, सब फोरमैन, मैनेजर, हमारा सेट, सब सही है, सब सपोर्ट करता है। अच्छा, तो आप यहाँ कब तक का प्लान है और मजीद काम करने का प्लान है लंबा? बस अभी तो फिलहाल कर रहे हैं। अच्छा, शायद अगर अल्लाह ने चाहे तो लंबा भी जाएगा। हाँ, फिलहाल अच्छा चल रहा है। फिलहाल अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो आपने इससे पहले जितनी भी कंपनियों में काम किया, मदीना एक्सप्रेस सब छोटी कंपनियों में किया, पहली दफा आप फैसल मोड़ में? हाँ जी, पहले में था फैसल मोड़, पिंडी और सवाद चलाता था। अच्छा, हाँ। क्या फर्क है उन छोटी कंपनियों में और इनमें? वो मतलब ये कि ये कंपनी है, वो प्राइवेट है। अच्छा, हाँ यही है, ये तो मतलब ये कंपनी है, रूल जरूर है ना। हाँ, और बस हाँ, मतलब इतना वो नहीं होता। हाँ, इसमें पर्सनलिटी, मतलब हर चीज अवेलेबल है, खाना देता है, हर चीज देता है, पेप्सी, पानी, हर चीज, रिफ्रेशमेंट मुकम्मल देता है। और इसकी कमाई भी जर सी बात है, फिर आम बसेस के मुकाबले में ड्राइवर्स की ज्यादा होती होगी। हाँ जी, हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही है। हाँ सही सही सही। तो ये फ्रेंड आपने देखा, ये वाली बस ये चलाता है भाई, तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। तो कुछ ड्राइवर्स जो न्यू आना चाहता है, अगर बिल्कुल फ्रेश हो तो उसको क्या करते हैं फिर आप? हेल्पर रहता है, इस बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो लेकिन ड्राइविंग सीखना चाहता है, तो बस की ड्राइविंग तो डायरेक्टली नहीं आती? डायरेक्टली तो नहीं आता है। हाँ, मतलब उसको, मतलब ये कि बाहर सीखना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए उसको, यार छोटे मोटे बसों में, गाड़ी में तो हाथ साफ करना चाहिए, दोस्तों, दोस्त के पास जाना चाहिए, वो गाड़ी इधर उधर, मतलब हो जाता है, सीख जाता है। सही। हाँ, आप 18 साल से काम कर रहे हैं, 2002 से तकरीबन? हाँ जी, हाँ। अच्छा। मैं 16 साल दुबई में रहा हूँ। 16 साल दुबई में भी? हाँ, उधर भी काम किया, उधर भी ये बस आ रहे हैं। उधर कौन सी बसेस ड्राइवर करते थे?
उधर मैं डेजर्ट सफारी में था उधर, मतलब ये टूरिज्म कंपनी में। टूरिज्म कंपनी? हाँ, टूरिज्म में था। अच्छा, वहाँ पे 16 साल काम किया? वहाँ पे 16 साल काम किया। वहाँ पे पैसेंजर बसेस चलाई? नहीं। अच्छा, हाँ सही। उधर मतलब उसमें तो गार्ड और वो कुछ खाली मिस होता है, और मतलब वो और बस ड्राइविंग है, बस यही लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। हाँ, लेफ्ट हैंड। हाँ, अच्छा, काफी अच्छा काम करके फिर आप पाकिस्तान आए? जी हाँ। अच्छा, तो क्या वजह थी उधर, क्या मजा नहीं आया, थक गए थे, क्या होता? बस इधर ही शौक था, और मैं बोला बस ये पाकिस्तान में चलाएंगे। चलो, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा, मेहरबानी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।